सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन्स देखा, नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स. ओके, सो हेलो अल्किन्स तो देख लिया, अब जिसमें एराइल ग्रुप है, जिसमें साइक्लिक कंपोनेंट है, ओके, उसमें हम कैसे करेंगे, ओके, उसकी प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ दो मेथड है. ओके, सो देखते हैं, वेरी इजी. चलो, पहली मेथड, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन्स बाय द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ओके, फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में से ही करना है, लेकिन मेथड का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. पहले तो नाम को समझो, क्योंकि ये वर्ड बार बार आता रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, तो उसका मीनिंग क्या है. देखो, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एक होता है फिलिक, एक होता है फोबिक. ओके, फोबिया नहीं बोलते, फोबिया, फोबिया मतलब क्या, उससे दूर भागना. ओके, और एक होता है फिलिक, फिलिक मतलब उससे अट्रैक्ट होना. तो यहाँ है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या, इलेक्ट्रोफिलिक का मीनिंग है कि जो इलेक्ट्रॉन हो उसके टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो जाना. इलेक्ट्रोफिलिक का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट होना, क्योंकि बार बार ये वर्ड आता ही रहेगा. न्यूक्लियोफिलिक मतलब क्या, कि न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में अट्रैक्ट हो जाना, ऐसा उसका मीनिंग होता है. तो हमें हाइड्रोकार्बन्स लेने हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन जहां होगा, ओके, वहां पे अट्रैक्शन होगा. किसका अट्रैक्शन होगा, जो हमें डालना है. हमें क्या डालना है, हेलोजन डालना है हमें, तो क्योंकि हेलो अरीन्स बनाने हैं, तो हमें तो हेलोजन ही डालना है, तो हम हेलोजन डालेंगे. हेलोजन कहां डालेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन होगा वहां पर अट्रैक्शन होके वहां से एच निकल जाएगा और हमारा हेलोजन ग्रुप चला जाएगा. डन, ओके, तो यही बेसिकली होगा. देखो, एराइल क्लोराइड्स, तो एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स दोनों की बात चल रही है. ओके, सो एराइल क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अरीन्स विथ क्लोराइन एंड ब्रोमाइन रेस्पेक्टिवली इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट लाइक आयरन और से आयरन थ्री क्लोराइड. यस, तो जैसे कि क्या होता है, देखो यहां पर जो बताया गया है उसी को वर्डिंग में लिखा गया है, पहले ये समझ लो. जैसे कि ये हमारा टोल्यूइन है, ओके, बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब क्या, टोल्यूइन. सो टोल्यूइन की रिएक्शन हमने कहां करवाई, X2. ये X2 में क्या होगा, क्लोरीन होगा या ब्रोमीन होगा. अगर क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन होगा, और अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमिनेशन होगा. उसके लिए कैटालिस्ट क्या है, उसके लिए कैटालिस्ट या तो आयरन लिया जाता है या FeCl3 लिया जाता है, या से अगर ब्रोमिनेशन करना हो तो FeBr3 लिया जाएगा. डन, ओके, तो वो हमारा क्या है, कैटालिस्ट है. सो Fe डार्क मीडियम है, तो उसमें क्या होगा. अब देखो, यहां पर जो एडिशन ऑफ क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन, जो क्लोरीन और ब्रोमिन एड होगा, वो डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन जो है, वो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मतलब उस पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है. तो अगर CH3 है तो CH3 है तो हमारा जाएगा कहां कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, याद रखना. अगर CH3 है तो कहां जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, मेटा पे जाएगा नहीं. सो ये हमारा, ये उल्टा क्यों कर दिया, नहीं तो जैसे कि हमारा ये टोल्यूइन है, ओके, ये हमारा क्या है, टोल्यूइन. तो अब जाने वाला है कौन, X2, मतलब मान लो Cl2 जाने वाला है, तो कैसा बनेगा डायरेक्टली, वो तुम लिख लेना है FeCl3 सपोज. ओके, सो कैसे बनेगा, दो चीजें बनेगी, ये CH3 तो है ही, ऑर्थो पे जाएगा क्लोरीन, और दूसरा बनेगा ऑर्थो मेटा एंड पैरा पे जाएगा क्लोरीन. डन, ये दो चीजें बनेगी. ओके, तो यहां वही है, लेकिन ये थोड़ा टेढ़ा बनाया है, इसलिए देखो CH3 एंड X ऑपोजिट, तो ये वाला और दूसरा ये वाला. डन, सो ऑर्थो और पैरा पे बनता है, तो ये है ऑर्थो हेलो टोल्यूइन एंड पैरा हेलो टोल्यूइन, सिंपल. ओके, अब ये दोनों जो मिले हैं हमें, वो एक्चुअली उनको अलग तो करना पड़ेगा ना, ये तो दो मिले, अब दोनों को अलग करना पड़ेगा. अगर मुझे ऑर्थो पैरा ऑर्थो टोल्यूइन, ऑर्थो हेलो टोल्यूइन चाहिए या फिर पैरा हेलो टोल्यूइन चाहिए, तो किस तरह से मैं वो दोनों को सेपरेट करूं. तो उनके जो फ्रीजिंग पॉइंट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो सेपरेट हो जाते हैं. दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, अलग अलग होंगे तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट से जल्दी रीच हो जाएगा, ओके, वो फ्रीज हो जाएगा और दूसरा लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा. तो लिक्विड को हम बाहर निकाल लेंगे और वो फ्रीज हुआ वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, तो दोनों सेपरेट आउट हो गए. ओके,
सो देखो द ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स. ओके मेल्टिंग पॉइंट्स. ओके तो मेल्टिंग पॉइंट्स मतलब मेल्ट होंगे. ओके मेल्टिंग पॉइंट्स बोलो या फ्रीजिंग पॉइंट बोलो, मतलब गर्म कर रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट्स, अगर ठंडा कर रहे हो तो फ्रीजिंग पॉइंट. डन. ओके सो रिगार्डिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, तो डिफरेंस जैसे कि अभी ये मेल्टिंग पॉइंट्स क्या, अभी मैंने फ्रीजिंग पॉइंट का बोला तो हम ठंडा करेंगे, जो पहले ठंडा हो जाएगा वो सॉलिड में रहेगा और बाकी जो लिक्विड रहेगा उसको अलग कर सकते हैं. अगर मेल्टिंग पॉइंट से बोलोगे तो तुम गर्म कर रहे हो, ठंडा नहीं कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं हीट दे रहे हैं, दे रहे हैं मतलब गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं मतलब जो भी जल्दी मेल्ट हो जाएगा वो लिक्विड में हो जाएगा और दूसरा सॉलिड फॉर्म में अंदर ही रहेगा, अगेन लिक्विड को बाहर निकाल सकते हैं. डन. ओके सो रिएक्शन विद द आयोडीन. अब देखो हमने ये क्या क्या डाल दिया, यहाँ पे क्लोरीनेशन भी हो सकता है और ब्रोमिनेशन भी हो सकता है. ओके दूसरे दो का क्या, आयोडीन और फ्लोरीन का क्या, तो आयोडीन का देखो रिएक्शन विद द आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर. तो अगर आयोडीन यहाँ पे हम लेंगे बनेगा ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, लेकिन वो प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल इन नेचर है, मतलब यहां से ऐसे वापस चली जाएगी. ओके वापस यही चीज बन जाएगी, आई टू वापस हमें मिल जाएगा. ओके अगर आई टू लिया तो ऑर्थो आयोडो टॉल्यूइन एंड पैरा आयोडो टॉल्यूइन मिलेगा, लेकिन वापस वही चीज फिर से मिल जाएगी. तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो बन रहा है ना उसकी रिएक्शन किसी के साथ करवा देनी पड़ेगी, जो भी हमारा बन रहा है उसकी रिएक्शन किसी के साथ करवा दो, किसी के साथ करवाओगे तो फिर वो रिवर्सिबल ना होके वापस आयोडीन हमें मिलेगा नहीं. हमें वापस आयोडीन थोड़ी चाहिए, हमें तो आयोडीन वाला हाइड्रोकार्बन मतलब कि हेलोअरिंस चाहिए, आयोडीन वाला हाइड्रोकार्बन और वो अरेन ग्रुप है इसीलिए. डन. तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा बनेगा क्लोरीन और ब्रोमीन जैसा ऐसा होगा, लेकिन वापस वो क्या बना देगा, आई टू बना देगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए. ओके तो हम क्या करेंगे, जो बन रहा है उसकी रिएक्शन किसी और के साथ फिर से करवा दे रहे हैं, तो वो रिएक्शन करवा दी तो वो अब वो रिवर्स होने वाला नहीं है. तो देखो रिएक्शन विद द आयोडीन आर रिवर्सिबल इन नेचर एंड रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से HNO3 और से HIO4 टू ऑक्सीडाइज द HI फॉर्मड ड्यूरिंग द आयोडीनेशन. तो जो आयोडीनेशन के टाइम पर जो आयोडाइड वाला जो हमें चाहिए वो फॉर्म हुआ होगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेस करके वापस I2 ना बन जाए, इसके लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से HNO3 जैसा कुछ लेना पड़ेगा और से HIO4 जैसा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर देगा, जो हमारा आयोडीन का कंपाउंड बना है वो उसके साथ रिएक्ट कर देगा, और उसके साथ अगर रिएक्ट कर दिया तो वापस I2 बनने वाला नहीं. डन. ओके एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लोरीन का क्या, सो वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो यहाँ पे वो केस ही नहीं आएगा. ओके फ्लोरो कंपाउंड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोरीन, क्योंकि जैसे ही रिएक्ट करेगा और कुछ और बन गया तुरंत ही, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है तो हमें ये कंपाउंड मिलेंगे ही नहीं. डन. तो तीनों देख लिया, चारों देख लिया हमने, क्या क्या, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करो, तो क्या करना है, टॉल्यूइन लिया और उसकी Cl2 के साथ करवाई तो ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन एंड पैरा क्लोरो टॉल्यूइन ऐसे मिलेगा. ओके अगर ब्रोमीन लिया तो ऑर्थो ब्रोमो टॉल्यूइन एंड पैरा ब्रोमो टॉल्यूइन ऐसे मिलेगा. आयोडीन अगर होगा तो आयोडीन रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत है, सो HIO4 और से HNO3 की रिएक्शन हम वो जो प्रोड्यूस्ड हुआ हमारा आयोडीन का कंपाउंड है उसके साथ कर देंगे तो रिवर्सिबल प्रोसेस होगी नहीं और हमें फिर से I2 नहीं मिलेगा. डन. और फ्लोरीन की यूज यहां पर होता नहीं है, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है और से रिएक्टिव एलिमेंट है फ्लोरीन, अगर अकेला है तो बहुत, अकेला हो तो भी और कंपाउंड में हो तो भी वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, सो उसका यूज करके हम हेलोअरिंग्स बनाने वाले नहीं. डन. ओके अब देखते हैं सेकेंड मेथड. ओके तो ये पहली मेथड थी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय इलेक्ट्रोफिलिक. अब सर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक का क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक का क्या है मतलब क्या, कि एक्चुअली ये हमारा क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, ये अगर गोला में ना बना हो तो यहाँ डबल बॉन्ड है. ओके यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, ऐसे डबल बॉन्ड होंगे और बेंजीन तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, वो मूव ना करने पड़े इसलिए हमने क्या कर दिया, गोला बना दिया कि भाई वो मूव कर रहा है. ओके तो ये डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और ये जो डबल बॉन्ड है वो दूसरा वाला कौन सा है, पाई बॉन्ड. तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो है तो वो पाई बॉन्ड जो बन रहा है जो इलेक्ट्रॉन से, वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्लाउड होगा. ओके मतलब वो अट्रैक्ट करेगा,
सो वो ये जो क्लोरीन है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन का, वहां पे जाएगा और वहां जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव करेगा और खुद वहां पे चला जाएगा। ओके, इसके लिए नाम है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वहां एक्सप्लेनेशन में नहीं है, लेकिन ये नाम क्यों है डिटेल में कोई भी सेंटेंस नहीं आया, लेकिन नाम क्यों है यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारा बेंजीन है वहां पे डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली होंगे ही और वो मूव करते रहेंगे, तो वो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो जिसको इलेक्ट्रॉन के टूवर्ड्स में अट्रैक्शन है, ओके, वो वहां चला जाएगा। तो उसको तो चाहिए ही ना भाई, क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, उसको तो चाहिए ही। ओके, तो वो उसको क्या कर लेगा, मतलब वो वहां चला जाएगा, वहां जाएगा तो हाइड्रोजन जो है उसको ले लिया और क्लोरीन वहां पे बैठ गया, ऐसे करके एक्सचेंज हो गया। इसीलिए बोला गया है हाइड्रोकार्बन, मतलब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डन। तो वो नेमिंग का, नेम का मीनिंग है। अच्छा, और नेक्स्ट है हमारा, ये एक्चुअली ये प्रोसेस थोड़ी लंबी है, आगे जाके चैप्टर में आएगी, यहाँ जितनी है ये चैप्टर में नहीं आएगी, लेकिन आगे अभी है सिलेबस में, यहाँ पर जितना है उतना हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो फ्रॉम एमाइंस बाय सैंड मेयर्स रिएक्शन, एमाइन से करना है। एमाइंस मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 तो उसका कॉमन नेम क्या है याद है, एनिलीन। ओके, सो एनिलीन का हमें करना है, सो एनिलीन से हम बनाते हैं। ओके, देखो फ्रॉम एमाइंस बाय, ये रिएक्शन का नाम क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन, क्यों साइंटिस्ट के नाम पर से। ओके, चलो, सो व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है और वो क्या है, एमाइन मतलब क्या है, एनिलीन है। ओके, NH2 एमाइन है, याद है ना फंक्शनल ग्रुप में कौन सा था वो, ये एमाइन कौन से नंबर पे था उसकी सीक्वेंस में, फंक्शनल ग्रुप एमाइन लास्ट में एमाइन था। ओके, यस करेक्ट। सो देखो उसकी रिएक्शन हम कहां करवा रहे हैं, एनिलीन तो ले ही लिया है हमने। ओके, NaNO2 नाइट्राइट है, ध्यान से देखना, नाइट्राइट है, नाइट्रेट नहीं है। ओके, सो NaNO2 एंड HX लिया हुआ है, HX मतलब हमारा हैलोजन। ओके, और देखो टेम्परेचर देखो 273 टू 278 मतलब 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ही आइस जैसा टेम्परेचर है वो तो। ओके, एकदम ठंडा वाला, तो वहां पे वो रिएक्शन करेंगे तो हमें ऐसे प्लस और माइनस वाला कंपोनेंट मिलेगा। ओके, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे इससे अच्छा है ऐसे लिखोगे तो और ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ओके, से एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ये प्लस है और सीएल क्या है माइनस, ऐसा एक कंपाउंड मिलता है। ये क्या है हमारा सॉल्ट, ये क्या है सॉल्ट है। ओके, तो ये हमारा कंपाउंड मिला N2 और X माइनस, ये है हमारा प्लस और ये है हमारा माइनस। ओके, तो ये है हमारा क्या, बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। देखो नाम कैसे होता है, बेंजीन तो है ही, जनरली जो पॉजिटिव चार्ज हो मतलब से कैटायन हो, कैटायन पॉजिटिव वाले। ओके, कैटायन मतलब पॉजिटिव, उसके आगे नियम लगता है, नियम। ओके, जैसे कि एमोनियम। ओके, कैसे वो प्लस होता है तो कैसे लिखते हैं हम, एमोनियम, NH4 से NH3 प्लस बनाया तो कैसे बोलते हैं हम, एमोनियम आयन, ऐसे नहीं बोलते, सोडियम एमोनियम, ऐसे पीछे नियम लग, जनरली की बात है जनरली। ओके, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं मतलब से एनायन्स होते हैं तो उसके आगे ईड लगता है, ईड, क्लोराइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, लाइक दैट, डन। तो यहाँ पे क्या है, N2 है। ओके, और वो भी दो है, पॉजिटिव वाले कितने हैं, दो है, सो डाई एजोनियम, ये क्या है डाई एजोनियम, और फिर हैलाइड, Cl लिखा होगा तो क्लोराइड, Br लिखा हुआ होगा तो ब्रोमाइड, डन। तो बेंजीन डाई एजोनियम प्लस है इसलिए, और हैलाइड, ये हमारा बना। नाउ ये जो बना है उसकी फर्दर रिएक्शन हम करते हैं, तो ये जो बना हुआ है उसी की फर्दर रिएक्शन में हम क्या लेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड, Cu2X2 और Cu2Cl2 और Cu2Br2, वो दो लेंगे। तो वो दो अगर हमने लिया तो बनेगा हमारा एराइल हैलाइड, डायरेक्टली वो वहीं पे जुड़ जाएगा। कैसे वहीं पे जुड़ जाएगा, देखो ये क्या है N2। ओके, तो वो N2 है और ये X2 है, यहां पर X है और यहां पर Cu2 है। ओके, सो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ये X यहां आ गया, ये X कहां चला गया, यहां आ गया, और डायरेक्टली जो N2 है वो अलग हो गया और ये Cu2 भी हमारा डायरेक्टली अलग ही हो जाएगा। ओके, तो हमें मिला क्या,
डायरेक्टली एराइल हैलाइड मिल गया, मतलब हमारी जो बेंजीन रिंग थी उसके ऊपर डायरेक्टली हेलोजन एटम मतलब हेलोजन एलिमेंट मिल गया हमें. ओके, सो वो बन गया हमारा एराइल हैलाइड, वही तो हमें बनाना था. तो क्लोरीन और ब्रोमीन इस तरह से होते हैं. ओके, देखो पढ़ते हैं. व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, ओके, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन डिसॉल्वड और सस्पेंडेड इन अ कोल्ड एक्वियस मिनरल एसिड, मिनरल एसिड मतलब वो हमारा HCl जो लेते हैं हम HX, उसको ही मिनरल एसिड बोलते हैं. ओके, सो कोल्ड होता है टेम्परेचर, हमने देखा हुआ है मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद द सोडियम नाइट्राइट, इसीलिए NaNO2 है नाइट्राइट. ओके, नाइट्रेट होता तो NaNO3 होता. ओके, अ डायएजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म्ड, मतलब जो भी हो रहा है वही लिखना है. देखो ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हें अगर रिवाइज करना हो ना तो नोट प्लेन पेपर लो और जितनी भी रिएक्शन है वो सारी लिख दो, वही आनी चाहिए तुम्हें. क्लासिफिकेशन है तो उसमें भी क्लासिफिकेशन में भी वैसे ही क्लासिफिकेशन, मोनो वाला, डाई वाला, ड्राई वाला, ऐसे पोली वाला, फिर इसके अकॉर्डिंगली सिर्फ ड्रॉ ड्रॉ कैसे करना है वो देख लो. अगर ड्रॉ कर लिया तो जो ड्रॉ किया है वही वर्डिंग में लिखना है. ओके, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ड्रॉ किया है ना वहीं से वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनको आता है. और तुमने थियोरी में भर भर के लिखा है लेकिन ड्रॉ नहीं किया ना तो भी वो मार्क्स काट लेंगे. ऐसे ड्रॉ नहीं किया तो मार्क्स तो कटेगा ही, लेकिन जो लिखा हुआ है उसके मिलने चाहिए ना मार्क्स, वो भी कम मिलते हैं. ओके, क्योंकि मतलब इवेल्युएटर का परसेप्शन बता रहा हूं कि वो कैसे सोचते हैं. ड्रॉ किया होगा तो भले ही गलत भी हो, भले ही इसमें कोई गलती भी हो, NH2 की जगह तुमने NH3 लगा दिया, NH लगा दिया, उतनी गलती भी वो ध्यान से नहीं देखेंगे तो भूल सकते हैं. लेकिन ड्रॉ ही नहीं किया ना तो काट ही देंगे मार्क्स. ओके, तुम मेन प्रैक्टिस करो ड्रॉ करने की, कि सैंडमेयर प्रोसेस है, ड्रॉ कर लो और फिर उसको वर्डिंग में लिख लेंगे. कल देखा था हमने, ओके, लास्ट में कौन सी देखी थी, एक तो फ्रैंकलस्टीन और एक स्वार्ट्स. ओके, सो आयोडीन से रिप्लेस करेंगे तो फ्रैंकलस्टीन, और स्वार्ट्स होगी फ्लोरीन से रिप्लेस करेंगे तो वो सिर्फ नाम से ही याद रख लो कि फ्रैंकलस्टीन में हमने ये किया, स्वार्ट्स में हमने ये किया. ये लेना है, ये सपोज रिएक्टेंट क्या है, कैटालिस्ट और कंडीशन कौन सी है, वो टेम्परेचर प्रेशर कैटालिस्ट जो भी कंडीशन हो वो से क्लोरीनेशन किया था वो यूवी लाइट से. ओके, तो वो भी आएगा. सो वो जो किया है वो, एंड लास्टली प्रोडक्ट जो बनता है वो, वही सारी सारे के सारे चैप्टर्स में भले ही 10 पेज की तुम्हारी नोट्स बन जाए बट वो 10 पेज में तुम्हारा पूरा चैप्टर आ गया. ओके, वो 10 पेज में पूरा तुम्हारा चैप्टर आ गया. पहले अच्छे से पढ़ो समझो, रफ में लिखते रहो फिर एक नीट एंड क्लीन 10 पेज जितने भी पेज हो लेकिन उसमें सिर्फ ये रिएक्शन लिखो तो तुम्हें ऐसे ही याद रह जाएगा. और वैसी मेहनत भी ना करनी हो तो लिखा हुआ तो गिवन ही है एनसीईआरटी में. इतनी बार पढ़ो मतलब ये सब ना मरो डायरेक्टली. ओ क्या था एमाइन में से, सैंडमेयर रिएक्शन क्या थी भाई, एनिलीन लेना है. हाँ एनिलीन लेना था और वो बहुत ठंडी रिएक्शन थी. अच्छा, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस और से 273 to 278 केल्विन. ओके, उसमें कुछ नाइट्राइट लेना था. हाँ NaNO2 लेना था तो उससे हमें डायरेक्टली मिल जाता था क्या, बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट मिलता था. बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड वो क्या है, सॉल्ट है, वो मिलता था हमें. ओके, तो वैसे याद रखो, ऐसे जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये मिलता था वो मिलता था, वैसे अकेले बैठे बैठे हाँ पहले ये लेना है एनिलीन लेना है, उसके पहले जो हमने पढ़ा तो सर पहले टॉल्यूइन लेना है, टॉल्यूइन की डायरेक्टली रिएक्शन करवानी है क्लोरीन से ब्रोमीन से, फिर वहां पे वो ऑर्थो और पैरा पे चला जाएगा. वैसे तुम एक एक स्टोरी के जैसे खुद को ही बोलो. ओके, तो ये वर्डिंग में लिखना लिखना तो ऐसे ही लिख दोगे तुम, जो कर रहे हैं वो लिखना है. अभी ये जो हमने किया वही तो लिखा है. व्हेन अ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, अब तुम ये सब नहीं पढ़े तो तुम इतना तो लिखोगे ना, व्हेन एन एमाइन खत्म, प्राइमरी एरोमेटिक छोड़ो, व्हेन एन एमाइन डिसॉल्वड और सस्पेंडेड, ये सब भी तुम नहीं लिखोगे तो क्या लिखोगे, रिएक्ट विद दी सिंपल लैंग्वेज में तो वही लिखोगे, व्हेन एन एमाइन रिएक्ट इन अ कोल्ड एक्वियस मिनरल एसिड इज ट्रीटेड विद दी सोडियम नाइट्राइट और इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्राइट, ऐसे सिंपल लिख दोगे, और डाई एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड इज फॉर्म, सिंपल वे में जो बन रहा है वही तुम वर्डिंग में लिख दोगे. तो फिर अ डाई एजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म मिक्सिंग दी, तो मतलब ऐसे ही जो कर रहे हैं वही लिखना है. तो ये मैं तुम्हें लिखने इजी कैसे करना है वो बता रहा हूँ. लिखो तो बहुत बढ़िया बात है. ओके, प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर टाइम ना हो तो फिर जब टाइम ना हो तब की बात है, अभी तो है टाइम, अभी तो टाइम है, तो अभी तुम खुद की नोट्स ऐसे बना ली, जो ये लिखा हुआ है वही लिखना है तुम्हें नोट्स में,
लेकिन फिर उसमें से पढ़ोगे तो भी एक अलग ही तुम्हें रहेगा, क्यों? क्योंकि एक बार तुमने लिख भी दिया है तो अच्छे से याद रहेगा। लिखा हुआ बहुत देर तक याद रहेगा और सिर्फ पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। और पढ़ा हुआ, लिखा हुआ और फिर ऐसे मेमोराइज किया हुआ, ए सैंडमेयर में क्या होता है, उसके पहले जो हम बनाते थे हाइड्रोकार्बन में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या होता है, तो तुम रोज आज सपोज केमिस्ट्री में क्या पढ़े, आज से मैथ्स में, बायोलॉजी में, ट्यूशन में क्या पढ़े, स्कूल में क्या पढ़े और सेल्फ स्टडी में क्या क्या देखा, सिर्फ ऐसे रिवाइज करो। एक घंटा सपोज तुमने ये स्टडी की, ओके जो हम पढ़ रहे हैं वही तुम लर्न कर रहे हो, एक घंटे में तुमने कर लिया या आधे घंटे में ही कर लिया, आज के आज पढ़ोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे में ही कर लिया, आधा घंटा कंप्लीट हो गया, फिर रिवाइज करो उसको, ओके मेंटली रिवाइज करो, गलत हो जाए तब उठा के देख लो फिर वापस बंद करो, लेकिन मेंटली रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि वहां तुम क्या कर रहे हो, मेंटली रिकॉल करने का ही ट्राई कर रहे हो, अरे इसमें क्या था, इसमें क्या था, और वो अच्छे से रिकॉल ना कर पाए हमारा टाइम जाता है, वही प्रैक्टिस करो, रिकॉल करो, ओके तो वैसे प्रैक्टिस करो, बस अब 5 महीने बाकी है, चलो। सो मिक्सिंग द सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइएजोनियम सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड रिजल्ट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ डाइएजोनियम ग्रुप, जो डाइएजोनियम ग्रुप है वो पूरा का पूरा रिप्लेस ही हो जाएगा, ये पूरा का पूरा चला गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक्स, ओके, क्लोरीन और से ब्रोमीन। So replacement of diazonium group by iodine does not require the presence of cuprous halide and is done simply by shaking the diazonium salt with the potassium iodide. अगर इसकी reaction, ये जो हमारा salt बना है उसकी reaction Ki के साथ करवा देंगे, okay? तो देखो chlorine और bromine से करवाया यहाँ पर cuprous chloride और cuprous bromide, तो क्या होगा, ये diazonium का जो diazonium compound है वो निकल जाएगा, benzene के ऊपर directly आ जाएगा हमारा chlorine और bromine। लेकिन iodine किया तो क्या होगा, तो iodine की reaction के लिए हमें cuprous chloride और cuprous bromide लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ potassium iodide लेंगे तो क्या हो जाएगा, directly I तो वहां चला जाएगा, I वहां पे चला जाएगा, N2 अलग हो गया और जो ये H है वो तो यहां चला गया, सॉरी एक्स नहीं गया, हमारा आई वहां चला गया और ये के एक्स बाहर निकल जाएगा, डन। मतलब यहां से सब कुछ चला जाएगा, जैसे यहां से सब कुछ गया और एक्स आ गया, वैसे यहां पर सब कुछ गया और ये आई आ गया, डन, ओके। तो वही चीज बताई गई है कि N2 बनेगा, दैट्स इट, बस इतना ही है हमारी थियरी में, अंडरस्टूड? ओनली टू मेथड्स आर देयर बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ से हेलोअरीन्स। तो क्या है, दो मेथड से होती है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसमें टॉल्यून लेना है और फिर क्लोरीन ऑक्सीडेशन और ब्रोमिनेशन करोगे तो वो ऑर्थो और पैरा पे चला जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे चला गया तो मेल्टिंग पॉइंट दोनों के अलग अलग है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, तो एक जल्दी मेल्ट हो जाएगा और दूसरा सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा, जो जल्दी मेल्ट हो गया उसको हम ऐसे करके अलग कर सकते हैं, ओके। तो वो मेथड हमने देख ली, उसमें सबका देखना है, तो उसमें क्लोरीन और ब्रोमीन का देखा, आयोडीन की देखी, तो वो रिवर्सिबल है इसलिए वापस ना आयोडीन I2 बन जाए, हमें I2 थोड़ी चाहिए, हमें तो हेलो अरीन चाहिए, तो वो वापस ना बन जाए इसलिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें डाल देते हैं, रिएक्शन करवा देते हैं उसकी, किसके साथ, तो HNO3 भी ले सकते हो, HIO4 भी ले सकते हो, दैट्स इट। फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये मेथड से क्लोरीन की हेल्प से हम हेलो अरीन्स बनाते नहीं, दैट्स इट, वो खत्म हो। और यहां पर हमने देखा सैंडमेयर रिएक्शन, तो उसमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें ले लेना है टॉल्यूइन कहा एनिलीन, ओके एनिलीन लिया और उसकी रिएक्शन जो भी हमारा NaNO2 और टेम्परेचर 0 to 5 degree लिखो या केल्विन में लिखो, HX लेना है, दैट्स इट, डायरेक्टली हमारा बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड सॉल्ट वो बन गया। अब वो सॉल्ट का क्या करें, हमें तो चाहिए था क्या, हेलोअरीन्स चाहिए, सॉल्ट थोड़ी चाहिए था, हाँ तो उसके आगे रिएक्शन करवाओ, उसके आगे रिएक्शन हम करवाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड से, तो अगेन वापस हमें मिल जाएगा क्या, सब कुछ हटा के ऊपर डायरेक्टली क्लोरीन और ब्रोमीन मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, डन, ओके। और अगर आयोडीन के साथ करवानी है तो वहां पे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड या फिर क्यूप्रस आयोडाइड लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली KI ले लोगे तो ऊपर का सब कुछ हट गया, N2 भी बाहर निकल गया, KX भी बाहर निकल गया, हमें मिल जाएगा आयोडोबेंजीन और फ्लोरीन की रिएक्शन है नहीं, अगेन फॉर द सेम रीजन, डन, ओके।